जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। भाई कोई बोल ही नहीं रहा, हम अकेले ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हे गाइस, वेलकम टू कटरा श्री माता वैष्णो देवी। आज हम हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, और ये सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि अभी पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग है, बादल है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोगों का जो प्यार है ना, वो हमको फिर से दोबारा से यहाँ खींच लाया है। हम अभी 4-5 महीने पहले आए थे और आप लोग फिर से बोल रहे थे कि आप फिर से जाइए, तो हम फिर से आ गए। तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो लोग आना चाहते हो, जो लोग नहीं भी आना चाहते हो उनके लिए भी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, होटल से लेके माता के दरबार तक पहुँचने, दर्शन करने, पूरी फुल टू जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले हम आपको अपना रूम दिखा देते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए कुछ ऐसा है हमारा रूम, पहले तो हम बंद कर देते हैं डोर। और ये देखिए यहाँ से हमारा रूम, यहाँ पे सबसे पहले हमको इतना बड़ा सा डबल बेड मिला हुआ है, और ये हमारा लगेज वगैरह रखा है, बैग वगैरह। अभी हम नहा धो के तैयार हो गए, और एक और बेड मिला है हमको, जिसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप विद फैमिली आते हैं तो 3-4 लोग आराम से रह सकते हैं एक रूम में। और इधर है अलमीरा और टीवी वगैरह, फिलहाल ये टीवी किसी काम का नहीं है, पुराने ज़माने का टीवी है, चलता भी नहीं। और यहाँ आए तो कौन टीवी देखेगा यार। और इधर एक कवर्ड है, इधर एक कवर्ड है, यहाँ पर ऊपर पानी की बॉटल वगैरह रख सकते हैं जैसे हमने रखा है। और ये वाला कवर्ड थोड़ा बड़ा है, अलमारी जैसा, यहाँ कपड़े उपड़े रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये है छोटा वाला, यहाँ पर भी हम अपने बैग वैग रख सकते हैं, मतलब कि 4-5 बैग अगर हमारे पास हैं तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पूरा रूम हमारा। इधर है छोटी सी विंडो, कर्टेन लगे हुए हैं, और इधर है हमारा वॉशरूम जहाँ पे गीजर वगैरह भी लगा है, तो गर्म पानी से अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं बिंदास। और अभी हम आए हैं ना, तो हमने नहावा लिया है, लगेज वगैरह हमारा रखा है, कि रूम थोड़ा आपको गंदा दिखेगा क्योंकि हम अभी आके अस्त व्यस्त हमने कर दिया है। अभी हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा रूम है ये हमको कितने का पड़ा है। तो ये वाला हमारा रूम हमको मिला है 500 रुपये का, और हमारा रूम जो है ये है यात्रा पर्ची जहाँ कटती उसके जस्ट सामने, और भी बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आप 200, 300, 400 में होटल लेना चाहते हैं तो जहां पे यात्रा पर्ची कटती है वहां से लेके बाण गंगा जाने के रास्ते में बहुत सारे होटल हैं जहां पे आपको 300-400 में होटल मिल जाएंगे। और यहां पे डोमेट्री भी मिल जाएगा आपको 100 रुपये पर बेड एक दिन का, तो उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप आए हैं, आने के बाद तुरंत नहा धो के फ्रेश होके निकल जाए माता के दर्शन के लिए, चढ़ाई करने के लिए, तो वो भी सिस्टम है यहाँ पे, 150 रुपये लगेगा। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने से पहले आपको वहाँ पे यात्रा पर्ची कटवाना पड़ता है, जो कि यात्रा पर्ची कटती है यहाँ पे टूरिस्ट सामने लिखा हुआ है। और ये जो यात्रा पर्ची सेंटर है ये बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही है, तो अभी हम भी चलते हैं अपनी यात्रा पर्ची कटवाते हैं, आइए। फिलहाल हमने यात्रा पर्ची ले ली है, और ये यात्रा पर्ची आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची अपनी लेते हैं तो वो आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप दरबार पहुँचते हैं तो वहाँ देखा जाता है। जब आप आते हैं तब RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट जरूर लेके आए। अगर आपको कोविड वैक्सीन दोनों डोज लग गया तब आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका दोनों डोज नहीं लगा है तब आप लेके आपको आना पड़ेगा। RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट आपकी चेक होती है स्टेशन पर ही जब आप वहाँ से एग्जिट करते हैं। अगर नहीं लेके आते हैं तो वहाँ पे एंटीजन टेस्ट भी होता है, तो वहाँ आप करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ, हम आपको किसी और से मिलवाने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिए। इधर देखिए कौन है, गौरव जी, पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? आप थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। तो अभी हमारे साथ हैं गौरव जी, हमारे परम मित्र, जो कि आने से पहले हमने इनको बता दिया था, तो गौरव जी भी एकदम तैयार थे, अभी आए हैं, अभी हमको मिले हैं। अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी हमको भूख भी लग रही है, तो हम कुछ यहाँ से खा लेते हैं, फिर आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम खाने जा रहे हैं यहाँ के फेमस छोले कुलचे।
ये देखिए, ये है बाण गंगा के रास्ते में मार्केट और यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। ये जो होटल है ये आपको 300, 400, 500 रुपए में मिलेंगे, काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। और इधर ऑटो वाले लगे जो कि बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे हैं। अरे भाई ये देखो, पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये देखिए जो इतना बड़ा वाला पहाड़ आप देख रहे हैं, हम अभी आपको यहाँ से दिखा रहे हैं क्योंकि आगे जाएंगे तो वहाँ से आगे से दिखेगा नहीं फिर। और ऊपर यहाँ पे है अर्धकुंवारी जो कि अभी बादलों की वजह से ढक गया है और दिखाई नहीं दे रहा। और इस पहाड़ के पीछे है माता का दरबार जो कि हमको नीचे से वहाँ से ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं बाण गंगा सबसे पहले। अभी हम फिलहाल पहुंचे हैं दर्शनी दरवाजा और यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ से कुछ लाठी ले लें। कुछ नहीं मतलब एक ही लाठी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और माता की चुनरी उनरी बांध लेते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा थोड़ा एनर्जी मिल जाए पॉजिटिव वाली, और भी अच्छा ब्लॉग शूट करें और जय माता दी जय माता दी करते चले। तो भैया कैसे है ये 20 रुपए का वापिस करेंगे 10 रुपए? पिछली बार भी लेके गए थे, पिछली बार वाले 10 रुपए जमा है आपके पास? आप कब लेके गए? एक महीने पहले। देखिए कंचन लिखा होगा, हमने वीडियो शूट किया था आपकी दुकान है उसमें। अरे क्या भैया, 5 लाख व्यूज गए उस पे, चेक करिए आप। भैया आप गलत बोल रहे हैं, हमारे 10 रुपए जमा है। 10 ही ले लीजिए, 10 ही ले लीजिए, 20 रुपए। अगर 2 लेते हैं तो 40 रुपए। और चुनरी 5 की, 10 की, 15 की, 20 की। अरे ये बांधने वाली एक चुनरी बांध दीजिए। 5 की, 10 की कौन सी बांधे? 5 वाली बांध दीजिए, सस्ती वाली, क्या महंगी वाली। 10 रुपए की 5 दे रहे थे या 5 रुपए की 1 है, कोई बात नहीं। अरे अरे बांध तो दीजिए इसको, अच्छे से बांध दीजिए, खुले ना। तो देखिए अभी फिलहाल हमने चुनरी उनरी बांध ली है और थोड़ा एकदम तैयार हो गए ट्रैकिंग करने के लिए, माता के दरबार में जाने के लिए। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो अभी फिलहाल हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे गुलशन कुमार जी का कई सालों से लंगर चलता है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु डेली खाना खाते हैं। यहाँ पे अमीरी गरीबी भेदभाव कुछ भी नहीं देखा जाता, चाहे कितना भी कोई अमीर हो कितना भी कोई गरीब हो, सब एक ही लाइन में बैठ के खाना खाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल हमने गुलशन कुमार जी के लंगर में प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये नया वाला रास्ता है, ताराकोट वाला मार्ग है, और ऊपर पुराना वाला रास्ता है। जो नया वाला रास्ता है ये 3 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम नए वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, हम पुराने वाले रास्ते से ही जाएंगे। और नए वाले रास्ते में घोड़े खच्चर वगैरह नहीं मिलते, क्यों गौरव जी? नया रास्ता भाई रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि 1 तो 3 किलोमीटर लंबा, ऊपर से कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ, सिंपल खाली रास्ता है। पुराना वाला रास्ता जो है वहाँ मार्केट वगैरह है, और नए वाले रास्ते पे ज्यादा मार्केट नहीं, थोड़ी दूर दूर पे कुछ दुकानें हैं, बाकी सुनसान है, लोग जा सकते हैं। जिनको शांति पसंद है जिंदगी में वो जा सकते हैं, फिलहाल हमको शांति नहीं है, अशांति पसंद है। चलें, चलिए जय माता दी। लाइए हमारी लाठी। देखो भाई हमारे यहाँ क्या होता है, जब लाठी लेके चलते हैं तो लोग बोलते हैं बुड्ढे हो गए, कहा लाठी लेके चल रहे हैं, बुड्ढे नहीं हो गए ट्रैकिंग करने इसलिए लाठी लेके चल रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी, 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 कहते जाओ रास्ता कट जाएगा आसानी से, क्यों गौरव जी? तो अभी फिलहाल इवनिंग के 6 बजे और हम 6 बजे अपनी वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट की है,
और अभी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं जली है। आई थिंक इसका रीजन ये है कि यहाँ पे टाइमिंग से लाइट जलती है, आज टाइम से पहले अंधेरा हो गया है। इधर बादल बादल खूब ज्यादा है जिसकी वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। कोई बात नहीं, जय माता दी, इधर आइए। अरे घोड़ा वाले देख के नहीं चल सकते हो, चढ़ाए जा रहे खोपड़ी पे। तो अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं बाण गंगा, ये इधर है, देखिए बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, जब माता जी जा रही थी, भैरवनाथ उनके पीछे लगा हुआ था, माता जी के साथ में बजरंग बली भी थे, तो बजरंग बली को यहाँ पे प्यास लगी थी, तो माता जी ने यहाँ पे अपने धनुष बाण चलाए थे और यही से पानी निकला था, तो बजरंग बली ने अपनी प्यास बुझाई थी पानी पी के, इसीलिए इसको बाण गंगा बोलते हैं। और माता ने यहीं पे अपने केस धोए थे, इसीलिए इसको बाल गंगा बोलते हैं। आज भी पानी निकल रहा है, लोग यहाँ पे आज भी मुंडन वगैरह करवाते हैं, स्नान करते हैं। ये देखिए इधर स्नान करने का, उधर कपड़े वगैरह चेंज करने का भी बना हुआ है। पिछली बार की वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप ये जरूर बताइएगा कि वहाँ अगर हम स्नान करते हैं तो चेंज कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए हैं कि नहीं। तो भाई जेंट्स जो होते हैं कहीं भी चेंज करते हैं, लेडीजों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है आगे। तो अगर आप आते हैं स्नान करते हैं तो आप यहाँ पे स्नान करिए, कपड़े वगैरह चेंज करिए, आराम से फ्रेशनअप होइए और आप भी आगे बढ़िए, तो अभी हम भी आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। ये देखिए भाई, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। ये सेट लगा हुआ है बाहुबली मूवी का। नहीं यार, हम जस्ट मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली में ये सेट ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे आप खड़े होके खूब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अपनी फोटोग्राफ निकाल सके किसी भी पोज में। बहुत सारी पोज वहाँ पे दी हुई हैं। और ये देखिए हमारी माता बहन जी पानी गिरा रही हैं, बट देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारा 40,000 का फ़ोन, हम इससे फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, यहाँ खिंचाएंगे तो फिर हमारे फ़ोन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमको अपनी और अपने फ़ोन की वैल्यू बना के रखनी है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। भाई कोई बोल ही नहीं रहा, हम अकेले ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। सब बहुत थक गए, पिछली बार ज्यादा मजा आया था यार, लोग एक बार बोलो तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, इस बार लोगों के अंदर जान ही नहीं। कोरोना ने आधी एनर्जी मतलब इम्यूनिटी पावर पहले ही खत्म कर दी आधी। नमस्ते नमस्ते बाय। ये देखिए यहाँ से पालकी भी जा रही है। और हम आपको बता देते कि अगर आप घोड़ा से जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 1250 रुपये भवन तक पहुँचने के, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 6,000 रुपये आने जाने का है। और अगर आपके साथ में छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, जैसे कि हमारे वंश वंश को बहुत मिस कर रहे हैं, वंश आई मिस यू, तुम नहीं हो यहाँ पे, तो बच्चों की जो छोटी गाड़ियाँ हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसके चार्जेस हैं 550 रुपये, मतलब हर एक चीज़ में 50 रुपये ज़रूर लगता है। ये किस चीज़ का है मुझे भी नहीं पता है। तो हम अभी फिलहाल अपनी यात्रा पद यात्रा ही शुरू करेंगे, हम पैदल ही चलेंगे, अभी तो हम यंग हैं, हमको घोड़ा गाड़ी इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो पैदल ही पद यात्रा कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, जय माता दी। जगह जगह पे रास्ते में आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आपके खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी मतलब कुछ खाना है, पानी पीना है या कुछ भी पीना है, जैसे अभी गौरव जी कुछ पी रहे हैं तो ऐसे ही आप लेके पी सकते हैं, एनर्जी बूस्टअप कर सकते हैं, खाते पीते जा सकते हैं। और एक चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, वो ये कि पिछली बार जब हम आए थे लास्ट टाइम तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था यार, इस बार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम चलते हैं ना लोग कम घोड़े ज़्यादा आगे आ रहे हैं, हम क्या करें मतलब चल ही नहीं पा रहे, इसीलिए इतना ज़्यादा हमको लेट हो गया, नहीं तो अब तक हम वहाँ पहुँच जाते, सही बता रहे हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, चलेंगे पहुँच जाएंगे। और मार्केट पूरी रास्ते में मार्केट मार्केट है। सामने देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके चलते चलते पैरों में दर्द हो जाए तो आप यहाँ पे मसाज ले सकते हैं, 20 रुपये में 5 मिनट 10 मिनट और 50 रुपये में, ऐसे ही प्राइस है। भाई चलते चलते अगर आपको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक सर दर्द बुखार सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाता है, तो आपको ऐसे ही निःशुल्क 24 घंटे वाले मेडिकल यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ से आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे हर 500 मीटर की दूरी पे जगह जगह पे वॉशरूम बने हुए हैं, लेडीज जेंट्स दोनों, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस इंजॉय करते हुए जाइए, माता की भक्ति में लीन होके। जय माता दी। पिछली बार जब हम आए थे माता के दरबार में तब हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी,
आफ्टरनून से ही, और इस टाइम तक हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, लेकिन इस बार लेट हो गया हमको। क्यों गौरव जी? वो भाई घोड़े इतने ज़्यादा है, इंसान देख के चल ले रहे हैं लेकिन घोड़े देख के नहीं चल रहे, सामने से आ रहे चढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग साइड ना तो एक सर यहाँ जाएगा यहाँ। तो देखिए अभी हम पहुँच रहे हैं प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका, और ये है पूरा मंदिर। अभी मंदिर में अंदर आरती हो रही, ये देखिए प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका जहाँ पे अभी आरती हो रही है। आप लोग भी आरती कर लीजिए माता जी की। तो अभी हमने आपको प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका के दर्शन कराए। यहाँ पे माता जी ने पहली बार मुड़ के देखा था जब भैरवनाथ जी ने उनका पीछा किया, तब माता जी ने पीछे मुड़ के जायजा लिया था कि अभी भैरवनाथ कितनी दूर है। सही कह रहे हैं ना? आइए गौरव जी, हमारे फ्रेम में नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारी हाइट कम है और गौरव जी की हाइट बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू की थी वहाँ धरती से, जहाँ पे आपको बहुत सारी लाइट दिख रही है जगमगाती हुई, वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। और वहाँ से चढ़ते चढ़ते अभी हम अंतरिक्ष में पहुँचे हैं, मतलब कि अभी हमने 2 घंटे चढ़ाई की है और हम यहाँ पहुँचे। अभी हम अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको माता के दरबार तक पहुँचने में 6 बज जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। इधर से नॉर्मल वाला रास्ता है, इधर से सीढ़ियों वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ पे कृपया ध्यान दें, 3 सीढ़ियों की संख्या 360 है। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वो यहाँ सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, मतलब कि जो वृद्ध हैं और जिनको हृदय प्रॉब्लम है हार्ट वाले, तो वो इधर से यात्रा ना करें। हम सोच रहे हैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ हम भी चढ़ लेते हैं। क्यों गौरव जी, चले? लेट हो जाएंगे नहीं तो। चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। पैर थोड़ा ऐसे ऐसे कांपेंगे और क्या होगा, मसाज ले लेंगे पैरों की। अभी फिलहाल सीढ़ियों से ही चलते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। आ जाओ, ये जो लाठियां ली है ये किस दिन काम आएंगी? बॉडी वार्म अप करते जा रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। अरे जय माता दी बोलो अंकल जी। अंकल जी नहीं सुन रहे। हाँ भाई, सीढ़ियों से उतरने वाले और नॉर्मल रास्ते से जो उतर रहे हैं सबकी हालत वैसी ही है। चलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। दो दो लाठी लेके चल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुढ़े तो अभी हो गए। फिलहाल हम चलते चलते थक गए और हमको लगी थोड़ी सी प्यास, तो हम यहाँ पे सोडा बनवा रहे, सोडा पियेंगे। और आप भी चलते चलते पानी वगैरह पीते रहिएगा, बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी मत होने दीजिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, पानी पीते रहेंगे तो बॉडी में एनर्जी मिलती रहेगी। ये देखिए यहाँ भैया जी सोडा बना रहे हैं, इधर है फ्रूट चाट और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने पीने की जो हम ले सकते हैं। ये रहा सोडा। देखिए भाई इधर सोडा शॉप पे और खाने पीने वाली जो शॉप है, इतना ज्यादा क्राउड है। इधर देखिए, ये नॉर्मल वाला रास्ता है और ये सीढ़ियों वाला है, सीढ़ियों वाले पे कम लोग हैं, इधर ज्यादा है। ये तो पूरा मेला लग रहा है भाई। पेट बोल रहा था कुछ खा लीजिए, तो हमने फ्रूट्स लिए हैं, पाइन एप्पल। फिलहाल हम अपना ये खाते हैं। और आपको पता है ये कितने का है? इसमें आई थिंक 10 पीस होंगे और ये मिला 30 रुपए का। हमारी शरीर में थोड़ा एनर्जी कम पड़ गई थी, इसलिए हम लोग अभी कॉफ़ी पी रहे हैं थोड़ा एनर्जी बूस्टअप करने के लिए। इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। जगह जगह पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे जो ट्रस्ट के गवर्नमेंट के हैं स्टॉल, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। वैसे हमारी कॉफ़ी कितने की है? 10 की है। हमने नीचे पी थी तो 30 रुपए की मिली थी, यहाँ 10 रुपए की मिली है। काफ़ी अच्छा है।
हम पहुंच गए, अरे वाह हम पहुंच गए, बल्ले बल्ले अर्धकुमारी पहुंच गए, ओह बहुत खुश हुए गौरव जी, हमको बहुत खुशी मिल रही कि हम आधे रास्ते पहुंच गए। आधा रास्ता है ना ये, पिछली बार यहाँ पे हम पहुँचे थे 5-5 बजे और इस बार पिछले बार यहीं से ज्वाइन किया था। हाँ पिछली बार गौरव जी ने हमको यहीं से ज्वाइन किया था और हम यहाँ पे पहुँच गए थे इवनिंग के 5 बजे, लेकिन इस बार इवनिंग नहीं नाइट के 9:30 बजे पहुँचे हैं। और क्राउड देख रहे हैं आप, भयंकर क्राउड है। और ये इधर राइट साइड में है एक धर्मशाला, यहाँ पे आप स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग वगैरह सारी सुविधाएँ हैं, काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ स्टे नहीं करेंगे, हम आगे चल रहे हैं। जय माता दी। और यहाँ पे हर जगह साउंड जो लगे हुए हैं, अगर आप ग्रुप में आते हैं घर का कोई मेंबर खो जाता है तो वो जाके अनाउंसमेंट करवा सकता है, नीचे तक यही आवाज़ जाती है, तो बंदा कहीं भी होगा तो मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और क्राउड देखिए यहाँ का इतना ज़्यादा क्राउड है कि हम आपको क्या बताएं। और क्राउड में ही हम छुप जा रहे हैं क्योंकि हमारी हाइट इतनी छोटी है, क्या बताएं। और बहुत ज़्यादा सर चकरा रहा है, हमने थोड़ा सा पानी भी पिया है। हम 6 बजे नीचे से अपनी यात्रा स्टार्ट की और अभी बजे हैं 10 बजे हम अर्धकुमारी पहुँचे हैं। तो अभी फिलहाल इस क्राउड में हमारा, अरे भाई थोड़ा आगे पीछे देख के चलो, देखो भाई साहब देखते भी नहीं, हमारा माइक वाइक ले लेंगे, हम दूसरा माइक लेके नहीं, अरे भाई थोड़ा देख लिया करो क्या है यार, देख रहे हो क्राउड में यही होता है। तो अभी फिलहाल हम कहीं अच्छी जगह ढूंढते हैं ऊपर, जहाँ से कोई बार बार हमारा ये वायर वायर खींच ना ले जाए और हम व्यू भी दिखा पाए, आपको सारी जानकारी दे पाए। तो पहले वो जगह ढूंढते हैं, पहुँचते हैं वहाँ फिर बताते हैं, आ जाओ। ओ माय गॉड, इधर देखिए लोग जैसे भेड़ बकरियाँ वैसे सो रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं हो रहा यार, इतने ज़्यादा लोग हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। और अभी हम वहाँ पे खड़े थे, ये वाले प्लेस पे जहाँ हम खड़े थे, जहाँ पे हमारा वायर खींचा गया था, ये वाले प्लेस पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ थे ये वाले प्लेस पे। तो अभी हम आ गए सबसे ऊपर, ये भी दिखा देते हैं, हम भवन पे हैं जहाँ पे रूम वगैरह लेके आप स्टे कर सकते हैं। नीचे वाले पे देखिए यहाँ भी लोग सो रहे हैं अपना बिस्तर उस्तर लगा के, उसके नीचे भी लोग सो रहे हैं। और ये पूरा जो एरिया है काफ़ी अच्छा, जहाँ से इवनिंग में काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ पर भी लोग बिछा के सोए पड़े हैं। उधर साइड जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, कैंटीन वगैरह है, वहाँ पर भी लोग हैं, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र जा रही वहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी चींटी जैसे लग रहा है, बहुत छोटे छोटे हैं। अभी हम आपको यहाँ के मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी सी ठंड है और हम पैदल चल के आए तो इसलिए हमको लग रही गर्मी, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन लोगों को देखिए यहाँ पे लोग ओढ़ के सो रहे हैं, मतलब एक कंबल नहीं, क्या बोलेंगे, एक चादर ओढ़ने की ठंड है, मतलब एक चादर ओढ़ के सो सकते हैं। अभी लोग सो भी रहे हैं और ब्लैंकेट वगैरह लिए हैं, तो ब्लैंकेट की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं, जानकारी मौसम विभाग वाले एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्लैंकेट का क्या है कि अगर आपको ब्लैंकेट वगैरह लेना है तो नीचे वहाँ पे है वो, हम आपको शेड लगे ना इसके नीचे, ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे नीचे है, वहाँ पे ब्लैंकेट मिलता है। एक ब्लैंकेट का आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि आपको दे देंगे 100 रुपए में आप घर लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको देंगे, आपको जब तक रुकना है आप उसको बिछा के ओढ़ के जैसे भी रहना है आप रह सकते हैं, बाद में जब आप उनको वापस करेंगे तो वो 100 रुपए आपको वापस कर देंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे ब्लैंकेट ले सकते हैं और रूम वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डोमेट्री वाला भी मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो लोग ऐसे ही अपना ब्लैंकेट लाके और बिछा उछा के बिंदास चिल कर रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं वही। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं गर्भजून गुफा के तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अभी अगर आप आ गए तो यहाँ पे यात्रा पर्ची कटवा लीजिए, यात्रा पर्ची यात्रा पर्ची कटवाना है, हाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप यहाँ से पर्ची कटवा लीजिए और आप चले जाइए भवन,
पहले माता के दर्शन करके आ जाइए, जब वापस आएंगे तब आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वेट करेंगे तो आई थिंक कल तक आप वेट करेंगे तब जाके आपके दर्शन होंगे, कल रात हो जाएगी। पिछली बार हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं अर्धकुमारी के, तो हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे है क्या। यहाँ पे इधर से आप अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाने के बाद ये वाला जो आप भवन देख रहे हैं जहाँ पे ऊपर ये लाइट जल रही, यहाँ पे नीचे एक गुफा है। गुफा के अंदर बहुत ही पतला रास्ता है, इतना पतला, इतना नैरो है, लेकिन वहाँ पे कितना हेल्दी, कितने मोटे इंसानों सब निकल जाते हैं। और यहाँ की एक स्टोरी वो बता देते हैं हम आपको। माता जी कन्या रूप में 9 महीने अंदर गुफा में तपस्या की थी, इसीलिए इसको गर्भ जोन बोला जाता है। जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, उसी तरह माता ने 9 महीने यहाँ पे गुफा में तपस्या की थी, इसीलिए इसको गर्भ जोन गुफा बोला जाता है। और उस टाइम बजरंगबली बाहर खड़े थे उनको रक्षा के लिए, कि तपस्या कोई भंग ना कर सके। तो अभी फिलहाल बहुत सारी जानकारी हमने दे दी, शुरू कहाँ से कर। तो अभी फिलहाल हम ऊपर थे वहाँ, मतलब अंतरिक्ष में नहीं, ये जो दिख रहा है कौन सा भवन है इसी के ऊपर। और अभी हम आ गए हैं नीचे, तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है यात्रा पर्ची, मतलब गर्भजून गुफा में आप जाते हैं तो वहाँ की पर्ची यहाँ से कटती है। और यहीं पे लॉकर रूम है, क्योंकि जब आप गर्भजून गुफा में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे मोबाइल, पर्स, घड़ी, ये सारी चीज़ें और आपका जो कैरी बैग वगैरह है वो सब आप लेके नहीं जा सकते हो, तो यहाँ लॉकर में आप रख सकते हो। और जो ब्लैंकेट के लिए हमने बताया था वो भी आप यहीं से ले सकते हो। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भवन के लिए, तो भवन के लिए दो रास्ते यहाँ से, एक रास्ता ये इधर से है जो कि सांझी छत होते हुए जाता है, और दूसरा रास्ता इधर से है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड अभी दिख नहीं रहा है इसके पीछे से है। तो इधर वाला रास्ता जो है थोड़ा शॉर्ट है लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, और जो इधर वाला रास्ता है ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन कंफर्टेबल है। तो फिलहाल हम प्रिफर करेंगे इस वाले रास्ते को, और हम आपको भी यही बोलेंगे कि आप भी इसी वाले रास्ते से जाएं, थोड़ा चिल इंजॉय करते हुए, कंफर्टेबल, अपने पैरों को इतना तकलीफ क्यों देना, जाना तो है ही, आराम से जाएं। क्यों गौरव जी? पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया करके यहाँ पर ना बैठें। तो ये देखिए यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, और प्रसाद लेने के लिए लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी है कि क्या बताएं। और यहाँ पे क्राउड देखिए इतना ज़्यादा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अभी दरबार जाने का रास्ता आगे यहाँ से, इधर से जाएंगे फिर वहाँ से है। अभी यहाँ से रुपये मिलता है भैरव घाटी जाने के लिए, और यहाँ पे देखिए बहुत विशाल सा गोल्डन हाथी है। फाइनली इंतजार की घड़ियाँ हुई खत्म, और हम पहुँच चुके हैं माता के भवन में। वो सामने जहाँ पे लाइट दिख रही वहीं पे है माता का भवन, और अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। हमने प्रसाद ले लिया है, हमने दो प्रसाद लिया है, एक हमारा है और एक हमारे एक मित्र हैं, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने हमको पैसे दिए थे कि उनका प्रसाद हम चढ़ा दें। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया, अब हम चलते हैं भवन में दर्शन करने के लिए। इधर कैमरा अलाउड नहीं है, जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद फिर हम आके आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम माता के पिंडी रूप में दर्शन करके आ गए हैं, और वहाँ पे 3 पिंडियाँ थी, बीच में माता लक्ष्मी की थी और एक तरफ माँ सरस्वती की, एक तरफ महाकाली जी की। दर्शन करके मतलब बहुत ही सुकून मिला हमको दर्शन हुए नई गुफा से। जब हम पहली बार आए थे तो हमको पुरानी गुफा से जाके दर्शन हुए थे, लेकिन इस बार पुरानी गुफा के द्वार बंद थे। लेकिन पिछली बार हम जब पुरानी गुफा में गए थे ना, तो हम एक चीज़ नोटिस नहीं किए थे, हमको पता भी नहीं था कि वहाँ पे सोने का बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। इस बार हमने देखा ना, तो मतलब हम खुद ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा सा गेट है, हम कैसे बताएं आपको। और अभी फिलहाल तो हम यहाँ आके बैठे हैं, क्योंकि जब जैसे ही हम दर्शन करके निकले नए वाले गुफा के रास्ते से, वैसे ही इतना ज़्यादा फॉग और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी फिलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। अभी फिलहाल बारिश हो गई है बंद, रात से दिन हो गया, एकदम चेंज हो गया है पूरा, इधर पानी पानी आप देख सकते हैं।
और अभी मॉर्निंग के 6 बज गए हैं। हमने रात में आपको व्यू दिखाया, इधर है माता का दरबार अंदर जाने पे, और इधर तरफ है भैरव घाटी ऊपर जाके, और वहाँ से है रोपवे शुरू होता है मॉर्निंग के 7-7:30 बजे। तो अभी फ़िलहाल हमने दर्शन किए थे 3:30 बजे के लगभग, और अभी सुबह के 6 बज गए हैं। दर्शन वर्शन हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश वारिश अभी हो गई है बंद। माता जी ने भैरव जी का वध किया था, तो लास्ट में भैरव जी ने माता जी से माफ़ी मांगी थी, और उनका जब वध किया था तो उनका सर यहाँ से जाके गिरा था ऊपर वहाँ पे उधर वाले पहाड़ पे, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। तो भैरव जी ने माफ़ी मांगी थी, तो माता जी ने उनको ये कहा था कि ठीक है, हम आपको माफ़ करते हैं, माफ़ी देते हैं, और जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आता है तो जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तब तक उसके दर्शन पूरे नहीं होंगे। तो फिलहाल अभी माता जी के दर्शन तो हमको हो गए हैं, लेकिन अब हमको अपने दर्शन पूरे करने के लिए हमको भैरवनाथ जी के दर्शन करने और वहाँ जाना है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये वाला हमारा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।